और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं आपके सामने अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और बात करूंगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अगले साल फिर से साल 2014 में पाए प्रचंड बहुमत का करिश्मा दोहराना चाहती है, लेकिन क्या इस बार दोहरा पाएगी ये अभी जो है सिर्फ संभावनाओं का विषय है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन का विषय है कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हालांकि जो सियासी जानकार है उनका ये साफ साफ कहना है कि भले ही प्रदर्शन गिर जाए, भले ही एवरेज सीटें मिले, साल 2014 की अपेक्षा बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी गिर जाए, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा PM बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे राहुल, अखिलेश, मायावती, ममता, शरद पवार जितने नेता है, दुनिया भर के नेता हैं, सब महागठबंधन में आ जाए, लेकिन बीजेपी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी के आगे अभी बीजेपी की स्ट्रैटेजी का अभी तोड़ नहीं है किसी भी पार्टी के पास। अगर बात करूं साल 2014 के बाद पूरे देश में बीजेपी की स्थिति को लेकर, तो कहीं ना कहीं 20 से 21 राज्यों में भगवा लहरा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे ऐसे राज्यों में उसने चुनाव जीता है जहां पर बीजेपी की जीतने की उम्मीद नहीं थी। असम, त्रिपुरा, मानिक सरकार को त्रिपुरा से उसने सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बना ली, यानी कि जाहिर सी बात है बीजेपी में कुछ तो दम है और जिसको हम कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। त्रिपुरा में मानिक सरकार जो काफ़ी लंबे अरसों से सत्ता पर काबिज थे, वहां पर बीजेपी ने उनका सूपड़ा साफ कर दिया और वहां पर अपना भगवा लहरा दिया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास से लबालब है कि भाई उसको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। और जाहिर सी बात है कि अगर पार्टियां दम भर रही हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकने का, तो पार्टियां अपनी पूरी दमखम लगा ले, क्यों नहीं किसी राज्य में वो बीजेपी का बाल बांका कर पाई। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ सारे जो दल है एक साथ होने, ये कहीं ना कहीं डर है बीजेपी का जो सभी दलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ये बात भी हो सकती है कि अगर किसी को सत्ता से बाहर करा रहा है तो एक यूनिटी नाम की चीज़ होती, शायद वो यूनिटी भी नजर आने वाली है। फिलहाल महागठबंधन का हश्र क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, अभी महागठबंधन में कितनी पार्टियाँ होंगी ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी को लेकर बात करें तो बीजेपी लगातार जो है पूरा फोकस जो है उसका सभी राज्यों पर फोकस है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी निगाह इस वक्त जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। अगर मैं 2014 के आंकड़े का जिक्र करूं तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को 70 से 73 उसके सांसद चुने गए थे। अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उससे गठबंधन है वहां पर, इसके अलावा सुहेल देव पार्टी से भी शायद उसका गठबंधन कहा जाता है, तो ऐसे में गठबंधन के सहारे 73 आंकड़ा पार कर रही थी बीजेपी। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने इतिहास रचा था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर कि 80 सीटों में 70 से 73 सीटें, वाकई बहुत बड़ी बात है। और जो वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसका तो हश्र ही मत पूछिए, और कांग्रेस तो फिलहाल तो वो तो कहां गई है उसका तो अता पता तक नहीं है। प्रियंका गांधी के नाम पे कांग्रेस खुद को बनाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है आगामी दिनों में। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। इसमें उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, सीएम योगी क्या कुछ कर रहे हैं, सीएम योगी के शासन व्यवस्था, उनकी कार्यशैली पर भी पूरी तरह से जांच परख कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी में विवेक तिवारी हत्याकांड सामने आया, इसको लेकर अमित शाह की नींदें भी उड़ गई। भाई उत्तर प्रदेश उनकी निगाह में बना हुआ है, तो इसका खामियाजा भी उन्हें कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की आपराधिक छवि को खत्म करने पर तुले हुए हैं, दरअसल उसके पीछे दूसरी सच्चाई, उसके पीछे काली सच्चाई ये कि फर्जी एनकाउंटर करके जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरासर गलत है, ये कहना है अखिलेश यादव का। हालांकि योगी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद PM मोदी भी कह रहे लगातार कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है और यूपी की जनता बहुत खुश है योगी सरकार से। अब कितनी खुश है, कितनी निराश है, तो अगले साल पता चलेगा PM मोदी जी, और साल 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कि आखिर वो योगी वापस योगी की सत्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने आप खुद को बरगला लेना, खुद को खुश रहना, तो वो तो हर कोई जानता है कि भाई अब खुद को कैसे खुश रखना है। फिलहाल इस साथ विवेक तिवारी हत्याकांड सामने आया, उससे कहीं ना कहीं अमित शाह की नींदें उड़ी और पार्टी आलाकमान की नींदें उड़ी और योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया। जी हाँ, ये अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है, अब इसकी कोई पूरी तरह से खबर सामने नहीं आई, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि
योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया दिल्ली, जहां पर मुलाकात हुई है। और ऐसे में बीजेपी सरकार ने इस घटना से सबक नहीं लिया तो चुनावों में उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। और ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को असंवेदनशील रवैया छोड़कर तत्काल मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और बच्चियों के लिए भविष्य के लिए 5 करोड़ की आर्थिक मदद की लिखित घोषणा करनी चाहिए, ये उनका ट्वीट है। इसके अलावा अखिलेश यादव का जिक्र कर रही हूँ और इसके बाद मैं बताती हूँ, दिल्ली में बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संगठन सचिव सुनील बंसल, सांसद भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा मौजूद हुए थे। और ये बैठक हुई अमित शाह के आवास पर और रात 9:30 बजे बैठक हुई है और मिड नाइट तक ये बैठक चली है। और ऐसे में जिस तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर निगाह है बीजेपी की और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में भाजपा बड़ी ही सावधानी बरत रही है और पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता है कि किसी भी विपक्षी पार्टियां किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरे और राज्य में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बने क्या, बन गया है माहौल। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें कही जा रही है, अखिलेश यादव ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। अमित शाह ये सोच रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश किसी भी हाथ से खिसकना नहीं चाहिए। देखिए ना किस किस तरह से भी वाराणसी पहुंचे थे पीएम मोदी, बहुत सी बातों का जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा पूरी तरह से कोशिश है उत्तर प्रदेश का दिल जीतने के लिए वो पूरी तरह मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है उसके लिए भी पूरी कोशिश है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दारोमदार है, उपचुनाव पहले ही हार चुके हैं, बीजेपी का पहले ही कहीं ना कहीं बंटाधार हो चुका है बाई इलेक्शंस में। तो ऐसे में अब लोकसभा का कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा दारोमदार है, उन पर ही नहीं उनके साथ जितने भी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, बाकी जो नेता है सब पे बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन गाहे बघाए तो जो निशाने पर आएंगे वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन में जब हार हुई थी बीजेपी की तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की बहुत आलोचना हुई थी, खुद उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने और उनकी ही सरकार में मंत्री ने योगी सरकार पर निशाना साधा था और सीएम योगी पर निशाना साधा था, कहा था कि उनके बयानों की वजह से, उनके कुछ सांप्रदायिक चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो था उत्तर बाई इलेक्शंस में बीजेपी की हार हुई है। बाकी सीटों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो गोरखपुर सीट पे ऐसा बवाल देखने को मिला था जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत शर्मसार करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बीजेपी की ही सत्ता रही है। लेकिन अब वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में वो सीट जो है बीजेपी से खींच ली अपने हाथों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अब जिस तरह से वहाँ पर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कई रैलियों में कहा था कि वो उत्तर प्रदेश की आपराधिक छवि को ख़त्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को गुंडा राज कहा जाता था कि वो शासन वहाँ पे गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज कहा जाता है, गुंडों का शासन चलता है। अब कहीं ना कहीं सीएम योगी उसी शासन को ख़त्म करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या ये कवायद सही है? जिस तरह से विवेक तिवारी को मारा गया, सिर्फ एक आम आदमी का इनकाउंटर, ना उस शख्स का कोई आपराधिक इतिहास है, ना बैकग्राउंड है, आपने सिर्फ उसको गाड़ी ना रोकने पर आपके पुलिस हकमे के एक सिपाही ने गोली मार दी और इतना बड़ा राइट दे दिया आपने। हालांकि एडीजी लॉ आनंद कुमार की बात करूं, एसएसपी कलानिधि नथानी की बात करूं, सब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं विवेक तिवारी के घर वालों का, कहीं ना कहीं वो आरोपी ठहरा रहे हैं प्रशांत चौधरी को कि उसने गलत किया। गलत तो बहुत कुछ किया, लेकिन इतना बड़ा राइट किसने दिया कि उसने गोली चला दी? आज वो शख्स दुनिया में नहीं है। आप एसआईटी की जांच में भले ही प्रशांत चौधरी को फांसी पर लटका दीजिए, उससे क्या होगा? अगर जांच में सब कुछ सही निकलता है, जांच में अगर कसूरवार प्रशांत चौधरी अगर पाया भी जाता तो क्या करेंगे आप उसको बर्खास्त तो वैसे ही कर चुके हैं, जेल भेजा जा चुका है, लेकिन और क्या करेंगे आप बताइए ज़रा? क्या उसके जो दो मासूम बेटियां छूट गई हैं, उनके पापा जो बाप से महरूम हो गई बाप वापस आ सकता है? एक पत्नी जो पति से महरूम हो गई पति वापस आ सकता है? एक माँ जो बेटे से महरूम हो गई बेटा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फिर कैसे एक आम आदमी का इनकाउंटर, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी नहीं रोकी इसलिए? और ये विवेक तिवारी हत्याकांड कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में काफ़ी घमासान मचा रहा है, काफ़ी बवाल हो रहा है इस मामले को लेकर, और विरोधी पार्टियां लगातार निशाना साध रही। राज बब्बर की बात को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने योगी सरकार को जमकर कोसा है। बात करूँ अगर यहाँ पर अखिलेश यादव की, उन्होंने जमकर कोसा है। और भी नेता है लगातार जो है बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद ही योगी सरकार के शासन पे व्यवस्था पे सवाल उठाए गए थे, लेकिन उस वक्त तो शायद किसी ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो आम आदमी का एनकाउंटर नहीं था, क्योंकि मुन्ना बजरंगी का आपराधिक इतिहास रहा है, उसने कई लोगों को मारा है और इतना ऐतिहासिक ऐसा रहा है कि बहुत से लोग खुश भी थे। हमने बकायदा आपको प्रोग्राम भी पेश करके दिखा था किस तरह से लोग खुश थे, वो आपराधी था, लेकिन हमें विवेक तिवारी का आम आदमी था, एक आम आदमी, हम आप जैसे बहुत से अनगिनत लोग गोमती नगर की सड़कों पर चलते होंगे, लखनऊ की सड़कों पर चलते होंगे, तो क्या अगर हम कल को स्कूटी, अपनी साइकिल, अपनी बाइक, अपनी फोर व्हीलर वहाँ पे नहीं रोकेंगे तो क्या हमें गोली से मार दिया जाएगा? हम सोचिए ज़रा,
कहीं ना कहीं इस घटना से सीएम योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था कटघरे में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अमित शाह को इस बात का एहसास अच्छे से हो गया है। अगर ये मुद्दा यहाँ पे नहीं सुलझा और इस पर सीएम योगी ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नाक कटनी तय है। कटी तो बहुत पहले से थी, 2014 में बहुत अच्छे से जुड़ गई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और फिर से कटेगी क्योंकि वो थूथू शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना पीएम मोदी और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, और इस सब के कसूरवार होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सवाल अभी भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे इस तरह से जो है आपराधिक छवि खत्म करिए, किसने मना किया है, अपराधियों पर लगाम लगाइए, लेकिन इस तरह से कैसे? ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल बहुत बेहतरीन रहा है, उनके जो नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो टोल प्लाजा पे जाके गुंडई करते थे और मारते थे, टोल प्लाजा पे जो बैठे रहते कर्मचारी, उन जो टोल टैक्स लेते थे उनके खिलाफ मारा गया था। अखिलेश यादव खुद अपने शासन की बात क्यों नहीं करते हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कार्रवाई की जाएगी, तो वही तो सीएम योगी भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि तुम हम पर आरोप लगाओ, हम तुम पर आरोप लगाएं, और सियासत चलती रहेगी बदस्तूर। आज विवेक तिवारी का घर है, कल किसी और का घर होगा, कोई और आम आदमी होगा, ये काम चलता रहेगा, उसमें पिसेगा कौन, हम और आप जैसे आम आदमी। दर्शकों आप हमें बताइए कि क्या वाकई विवेक तिवारी हत्याकांड से बीजेपी की छवि धूमिल हुई है, और क्या इसका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, और क्या साल 2014 में जो सीटें पाकर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी, क्या वही सीटें फिर से पाने में कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? आप अपने में कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, और साथ ही हमें बताइए कि विवेक तिवारी हत्याकांड में क्या वाकई जो सिपाही है प्रशांत चौधरी वाकई आरोपी है, आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, और ये बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या सोचते हैं, सोचिए, क्योंकि उस बात दर्द का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप फिर से बीजेपी को वोट देंगे या फिर आप बीजेपी को ही वोट देंगे, बताइए आप ना। मैं यहाँ पर अखिलेश के शासनकाल की वाहवाही कर रही हूँ और ना ही बीजेपी के शासनकाल की, अखिलेश यादव के शासनकाल में बहुत सी गुंडई हुई है, ऐसा नहीं है, और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तो एकदम अलग ही एक आम आदमी को ही मार दिया गया। बताइए दर्शकों कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। नमस्कार।